नमस्कार एक्वेरियस, एक्वेरियस शनि कुंभ राशि, मैं सुरेश गौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस शनि कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 25 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस के जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। और फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं और सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा 25 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक के लिए। तो आइए एक्वेरियस आपके पर्सन के बारे में जान लेते हैं कि उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। सेवन ऑफ कप्स, द लवर्स, थ्री ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, वो उनकी फीलिंग है, वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी लगाव है, लेकिन कुछ थोड़ी इसमें एडिक्शन भी है प्यार के साथ साथ। तो अगर समय रहते उनके बारे में सोच लिया जाता है, उनमें डिसीजन लिया जाता है, आमने सामने बैठकर अगर क्लैरिटी आ जाती इस रिश्ते में, तो ये जो और इस रिश्ते में जो हल चाहे उनके पास और ऑप्शन भी आ रहे हैं, तो वो ऑप्शन हो सकता है भ्रमित करने वाले हों। तो उनको जो एक्वेरियस के पर्सन सोच रहे हैं कि एक्वेरियस को चाहिए कि वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही इसमें डिसीजन ले, एकदम इसमें फैसला ना ले, ऐसा ना हो कि वो फिर से इसमें कन्फ्यूज़न में, कोई दिक्कत परेशानी में आ जाए। और आमने सामने बैठकर अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएंगे, आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, तो जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, इस रिश्ते की शॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार है, प्रेम है। और इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो आपके साथ महसूस कर रहे हैं कि अगर एक्वेरियस इस रिश्ते में उनके साथ कोई टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करते हैं, तो गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे के साथ पार्टी वगैरह करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो जो कन्फ्यूज़न, जो डाउट है, जो तो वो सारा ख़त्म होगा और जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे जाकर चीयरफुल होगा, हैप्पीनेस इस रिश्ते में आएगी, खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी। तो वो आपसे क्या चाहते हैं एक्वेरियस, चलिए जान लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। जजमेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिस चीज़ के लिए आप अभी भी परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, सबसे पहले आप उन चीज़ों को मूव ऑन करें, उन चीज़ों से रिलैक्स करें, उनको छोड़ते हुए आप आगे एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और इसमें अगर आप फैमिली के साथ, परिवार के साथ टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे इस रिश्ते में आगे वापस आने के लिए, और एक फैमिली, एक परिवार की तरह एक दूसरे से अगर प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे और एक दूसरे की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना तर्क वितर्क के, बिना नुक्स निकाले एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से प्यार प्रेम बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि पहले उन चीज़ों से आप मूव ऑन करें जो चीज़ें आपको बाधाएँ दे रही हैं, जिस चीज़ को लेकर आप परेशानी में हैं, और उसके बाद आप एक फैमिली, एक परिवार के साथ अपने एनर्जी एफर्ट लगाएं और इस रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन करें। तो देखते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग क्या है अपने पर्सन को लेकर। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आप अपने पर्सन के बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि
कि जो उनका दिल टूटा है, जिस नेगेटिव फेज से वो गुजर रहे हैं, अभी भी वो उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाए हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, अगर वो इस रिश्ते में थोड़ा सा हल निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उन्हें इसका जो सॉल्यूशन है, जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की पोजीशन रही है, रिश्ता ख़त्म हो रहा है, बन रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर से बाधाएँ आ रही हैं, फिर से दुविधाएँ, परेशानियाँ आ रही हैं, तो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा है, अगर उनमें थोड़ा सा विश्वास किया जाता है, अंधविश्वास ना करें भले ही, लेकिन इतना विश्वास जरूर कर लें कि रिश्ता एक हो सके, और अगर इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा, इस परेशानी से बाहर निकलेंगे, तो जो दिल, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, जो दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं उसका हल निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, उन बाधाओं से, उन दुविधाओं से वो बाहर निकल पाएंगे। तो आप उनके बारे में फील कर रहे हैं कि उन्हें इस एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन, हल ढूंढना चाहिए, और इस रिश्ते को, इस रिश्ते में एक दूसरे से मिलकर अगर कुछ परेशानियों को, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो भरोसा नहीं किया जा रहा है, उनमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ा जा सकता है अगर वो कोशिश करें तो, और ये जो दिल मन दुख रहा है, उस प्रॉब्लम से भी वो बाहर आ सकते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय इसका सॉल्यूशन हल ढूंढना चाहिए। देख लेते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द फूल, डेथ एंड जस्टिस। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें सोच समझ कर, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ एक्शन लें, वो बिना सोचे समझे इसमें जंप ना लगाएं। अगर बिना सोचे समझे वो जंप लगाएंगे तो फिर से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, और इस ये रिश्ता बजाय के खुशहाली में जाने के, फिर से तकलीफ इस रिश्ते में हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि एक बच्चे की एनर्जी की तरह, यंग एनर्जी के साथ मिलकर, अगर विजडम, नॉलेज के साथ, समझदारी, बुद्धिमानी के साथ वो अगर इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और उन चीज़ों को, उससे पहले, बिगनिंग, शुरुआत करने से पहले, अगर वो उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही है, रुकावटें दे रही हैं, इस रिश्ते को खराब कर रही हैं, हालांकि आप मतलब महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते से आई है, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, या फिर उन रिश्ते नातों को जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहे हैं, चाहे वो घर का मेंबर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई आस पड़ोसी हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो अगर उन चीज़ों को आप बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और एक, और चाहे भले ही वो चीज़ें छोड़ने में, अपने लोगों को छोड़ने में आपको दुख तकलीफ हो, लेकिन अगर आप उनको रिलीज कर देंगे, उनको छोड़ देंगे, तो समय के साथ सारी चीज़ें ठीक होंगी, इन चीज़ का सॉल्यूशन निकलेगा, और एक अगर सोच विचार करके उसके बाद अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, या रिश्ते से लेकर जो भी प्रॉब्लम हुई है, तो धीरे धीरे करके वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म होंगी, और ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा। जिसने जैसा कर्म किया है, उसके अकॉर्डिंग उसका, उसको फल मिलेगा, और एक दूसरे से अगर माफ़ी मांग ली जाती है, जो पहले जिसने जो भी गलती की है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी, सारी बाधाएं ख़त्म होंगी, और इस रिश्ते में न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। और वो चाहते हैं कि वो फिर से कोई भी ऐसा गलत काम ना करें, कोई भी, ना तो एक्वेरियस ना ही उनके पर्सन, कि उन्हें फिर से बैकफायर करना पड़े, यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े, यानी कि फिर से उस रिश्ते में प्रॉब्लम आ सके। तो वो चाहते हैं इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें, उन चीज़ों को बदल दें जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं कि एक्वेरियस पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या रहेगा।
द टावर, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजर रहा है, काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुख तकलीफ इस रिश्ते में रहा है। इसमें ऐसी स्थिति हुई है कि कहीं ना कहीं इतना दुख तकलीफ हुआ है कि आप उसे उभर नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप अभी कंफ्यूजन में हैं, अभी क्रॉस मार्क पर खड़े हुए हैं, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अभी यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको उसकी तरफ जाना चाहिए या फिर उसी पर्सन के लिए वेट इंतज़ार करना चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है, या फिर थोड़ा सा समय को समय देना चाहिए, वक्त देना चाहिए। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप पहले यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको सही लगती है तो उसको, उसके साथ आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है, इस कन्फ्यूज़न, इस डाउट से दो कदम पीछे हटकर, रुककर, ठहर कर सोच विचार करके ही जो भी डिसीजन लें आप, सोच विचार करके डिसीजन लें, क्योंकि अभी जो समय ठीक नहीं है, काफ़ी बाधाएं हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी इस रिश्ते में आप तकलीफ उठा चुके हैं। तो थोड़ा सा समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, और धीरे धीरे करके जो चीज़ें हैं वो आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और चीज़ें क्योंकि कोई कई बार क्या होता है कि जो समय है वो बहुत पावरफुल होता है, समय की वजह से कई चीज़ें बिना मतलब के भी परेशानी दुविधा में आ जाती हैं। तो समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे करके जो समय है, वक्त है, जो बुरा वक्त है वो बीत जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और उसी के बाद आप रुक कर, ठहर कर सोच विचार कर कीजिए कि अभी आपको उसी पर्सन के साथ वापस रिश्ते में जाना है या फिर यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अभी इसमें साइलेंस है, चुप्पी है, खामोशी है, कोई भी क्लैरिटी अभी इस रिश्ते में नहीं आ रही है। तो इसकी गाइडेंस यही है कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धीरज रखना है, समय को समय देना है, अभी आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है। अभी समय ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं है, जब तक समय ठीक नहीं आ जाता, कम से कम 25 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के लिए तो कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, आप आगे नहीं, आपको आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अभी आपको इसके लिए वक्त चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने कमेंट्स देना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ एक पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर दीजिए, क्योंकि एक पॉजिटिव कमेंट्स मुझे पॉजिटिविटी देता है, वीडियो बनाने में मेरी हेल्प करता है, मदद करता है। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।